मध्य प्रदेश का उज्जैन आज विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है, क्योंकि यहां पर पीएम मोदी बाबा महाकाल के लोक का लोकार्पण करेंगे। इसको लेकर पूरे उज्जैन को दुल्हन की तरह सजाया गया है, साथ ही पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। वहीं विश्व भर के साधु संतों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है। इसी दौरान उज्जैन से महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले का जायजा लिया हमारे संवाददाता उमेश चौहान ने। भूत भवन भगवान बाबा महाकाल की नगरी भक्ति के रस से सराबोर है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आने वाले हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं हरी फाटक है, बीच का दृश्य है। यहां से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला जो है महाकाल कॉरिडोर के लिए महाकाल लोक के लिए पहुंचेगा और यहां पर जो है महाकाल कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शहर के प्रसिद्ध संत श्री अवधेश पुरी जी महाराज हम उनसे जा रहे हैं किस तरह का साधु संतों में उत्साह, किस तरह के साधु संतों की व्यवस्था की गई है और महाकाल लोक को लेकर क्या कहना चाहेंगे। ये बहुत ही अद्भुत क्षण है और भूत भवन भगवान महाकाल की इस नगरी में इसके गौरव में एक नया अध्याय जुड़ा है। इससे पहले महाकाल कॉरिडोर इसका नाम था, तो उसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि नाम हिंदी में होना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि महाकाल कॉरिडोर की बजाय अब इसका नाम महाकाल लोक है और यहाँ के जितने प्रकल्प हैं सबके नाम हिंदी में रखे गए हैं। तो इसके लिए भी मैं प्रदेश शासन का और भारत सरकार का धन्यवाद करूँगा। दूसरे माननीय मोदी जी ने ये जो कार्य किया है, अभी हम जो देख रहे हैं महाकाल लोक का, ये बहुत ही अद्भुत है। भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने का कार्य किया है। तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रद्युत काल से लेकर के महाराज वीर विक्रमादित्य का काल रहा है, उसके बाद में मुगलों का शासन आया जिसमें मोहम्मद जुनैद से लेकर के इल्तुतमिश तक इस मंदिर को 3 बार तोड़ा गया। मोहम्मद गजनी ने भी तोड़ा था। 724 में इसको मोहम्मद जुनैद ने तोड़ा। 1024-25 में इसको मोहम्मद जुनैद उसने तोड़ा। उसका नाम था गजनी, मोहम्मद गजनी। और करीब 1235 में इसको फिर इल्तुतमिश ने तोड़ा। 3 बार मंदिर को ध्वस्त किया था, लेकिन इसके बाद सिंधिया वंश के द्वारा उसके राजा थे रामचंद्र सेन भी, उन्होंने इसको दोबारा से बनवाया था। ये जो संरचना मंदिर की है करीब 280 वर्ष प्राचीन है जो हम दर्शन करते हैं। और ये जो सौंदर्य आज यहाँ का महाकाल लोक का है, इसको केवल हम लोग पूरा विश्व हर्षित नहीं है, मैं समझता हूँ कि देवता भी प्रसन्न होंगे। किस तरह से साधु संतों की व्यवस्था की है? साधु संतों की अच्छी व्यवस्था, अभी वहाँ सामने बैठने के अभी हम उसी में शामिल होने के लिए आए हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये बहुत ही अद्भुत है, हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमारा स्वागत सम्मान किया, बहुत कराया। अब से कुछ ही देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मार्ग से यहाँ पर आएंगे। कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है, एसपी जी ने भी यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है, साथ ही पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है और महाकाल कॉरिडोर में जो है सभी प्रदेशों से सभी प्रांतों से